और तो फाइनली जाने के लिए तैयार हो गया है। तब बंदा ये बहुत भारी है, उसका पकड़ लीजिए। यूट्यूब में आने से पहले हमको कभी कभी ये फील होता था कि मैं ही पागल हूँ, लेकिन यूट्यूब में आने के बाद अभी तो इनका कोई नाम भी हम लोगों ने चूज नहीं किया, मैडम जी और सर जी दोनों मिलके बाद में सिलेक्ट करेंगे। ये देखो कितना सारा खिलौना के साथ, मतलब क्या क्या नहीं करता है ये पूरा दिन। और ये सारे बच्चे, मतलब भाई देखो रुद्रा को तो एकदम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है इसको, मतलब किसी को भी, क्योंकि ये सारे खिलौना इन लोगों का, ये सारे खिलौना इन लोगों का है, मतलब ये पूरा दखल जमा देता है। हाँ कोई भी एक भी खिलौना को छुएंगे तो इसको बहुत गुस्सा आ जाता है, भगाता है, पूरा सर का चोटी फुला के ऐसे डराता है कि कोई भी डर जाएगा। हाँ क्या हो गया। हाँ नेल कटर भी आ गया है, नेल कट करेंगे, नेल ट्रिमिंग होगा। पाबलो पाबलो पाबलो, खिलौना नाखून बहुत शार्प हो गया, एक दो खिलौना लो, तीन हो गया। पाबलो गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। पापा ये वाला बाकी है, हो गया। हाँ सब हो गया है, एक शायद बाकी रह गया है। और तो आज से लगभग 4 महीना पहले पाब्लो द ब्लू आइट कॉकाटू एंड लकी द योलो नेप्ड अमेज़न मीनाक्षी मैडम जी हम लोग का यहाँ रखे गए थे, क्योंकि ये दोनों इतना प्यारा है और इतना ह्यूमन टच है कि कोई भी, मतलब अकेला रहना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए मैडम जी जब बिजी हो जाते हैं तब हम लोगों का यहाँ रख के जाते हैं। और तो आज से लगभग 3.5 महीना पहले मैडम जी इन दोनों को यहाँ रखे गए थे, और आज टाइम हो गया है पाब्लो द ब्लू आइट कॉकाटू एंड लकी द योलो नेप्ड अमेज़न इन दोनों का मम्मी के पास अपने घर जाने का आज टाइम हो गया है। मैडम जी आ रहे हैं, इन दोनों को लेके जाएंगे। लकी वो तो हम लोग का पुराना फार्म पे रह जाता है, वहाँ सारे लोग है, पैराडीप बंकर के लोग है, तो वहाँ उन सब के साथ रह जाते हैं। लेकिन पाब्लो इतना ज्यादा ह्यूमन टच है, मतलब गोद में लेके सोना पड़ता है। तो इसी के लिए हम लोग जहाँ रहते हैं यहीं पाब्लो को रख दिया था। और जब पाब्लो हम लोग का यहाँ आया था तभी हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग हो रहा था, और अभी 3 महीने के बाद अभी तो पूरा सेल्फ फीडिंग हो चुका है और वजन वेट तो दुगना हो गया है। चंद्र बताओ तो दुगना हो गया है, और बहुत प्यारा, इतना साफ सुथरा, इतना सुंदर हो गया है, क्या ही बताऊं। बच्चों के साथ इतना खेलता है, मतलब सारे टॉयज को लेके कितना झगड़ा करता रहता है। इसका नाखून हम लोगों ने 3-4 महीनों से तो ट्रिम भी नहीं किया था, हाथों में लिया आज नहीं, हमेशा मतलब जब लेते हैं तो ऐसे हाल हो जाता है पूरा। तो इसी के लिए राम जी जब बहुत दिन बाद इनको लेके जाएंगे तो बहुत खेल कूद होगा, और ऐसे नाखून ट्रिम ना करके देंगे तो मैडम जी का हाथों का हाल खराब हो जाएगा। हाँ पाब्लो कुछ निशान छोड़ के जा रहा है 3.5 महीने में। चलो पाब्लो जाना है, मम्मी जी आ रही है, गुड बॉय। और पाब्लो कितना बड़ा हो गया है देखो, उस साइड से इस साइड तक पूरा उसका पूछ यहाँ टच कर रहा है। मैडम जी अभी पहुँचे हैं, और लकी देखो दौड़ के, लकी जो योलो नेप्ड अमेज़न इसके बारे में ही तो सुबह से सबको बता रहा था कि मैडम जी 3.5 महीने के बाद जब आएंगे इन लोगों से जब मिलेंगे अपना लाडली के साथ तो एक्सप्रेशन कैसे रहेगा। मैडम जी आसानी से किसी के पास नहीं आते हैं। और ये रहा पाब्लो। आज सुबह से नेल ट्रिमिंग कर दिया है। পাবলো এবার মায়ের কাছে, মাকে পেয়ে গেছে এইবারে। पाब्लो का अंदर अलग एक जान दिख रहा है मैडम जी, इससे पहले इतना दिन तो था हम लोग के साथ सही है, लेकिन अभी इसका अंदर एक अलग सा चमक दिख रहा है। हो गया लंच, लंच कंप्लीट। मैडम जी जब आती है चंद्रा सुबह से इतना ज्यादा बिजी हो जाता है, मतलब एक दिन पहले से बहुत अच्छा लगता है, घर के जैसा फील होता है। लकी को छोटा सा केज के अंदर जाना होगा, क्योंकि लकी घर जाने वाला है दादा। ओ लकी, ओ आराम से लकी को हम लोग केज के अंदर ले लिया है। हाँ चलिए दादा, आ गया लकी। घर नहीं जाओगे? ओ ओ ओ ओ
पाब्लो इससे थोड़ा बड़ा है दिखने में भी, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग तो चॉइस है, फिर भी अमेज़न का एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। ये देखो जब खेलने का मूड आता है तब सर का जो फेदर है वो ऊपर करके पूरा टेल को ऐसे बिखरा के बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटी, और जैसे टॉकिंग करता है, मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉकिंग करने वाला अमेज़न पैरट, अगर कोई पैरट है तो येलो नेप्ड अमेज़न, और उसके साथ रहते रहते पाब्लो भी बहुत टॉकिंग करता है। हाँ चलो मम्मी के पास आके अभी कैसे फील हो रहा है? लकी तो बहुत खुश है। हेलो, आई लव यू, आई लव यू। ओ और ये देखो, ओ हेलो, मतलब फोन का घंटी बजा और इसने बोला हेलो। क्यों चाहिए? ओ दोनों बर्ड घर के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो येलो नेप्ड अमेज़न भी जैसे मतलब बेहतरीन सुंदर है, और उसी हिसाब से आपका ब्लू व्हाइट कॉकाटू। तो उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और जैसे फ्रेंड से शेयर भी कर दीजिएगा। आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और तो सुबह 6 बजे मैडम जी, सर जी और बहन जी तीनों मिलके सुबह 6 बजे कोलकाता से 120 किलोमीटर के आसपास ऐसे कुछ होगा ट्रैवल करके आए हैं इनको लेने के लिए। और अभी तो इनका कोई नाम भी हम लोगों ने चूज़ नहीं किया, मैडम जी और सर जी दोनों मिलके बाद में सिलेक्ट करेंगे बेहतरीन सबसे खूबसूरत नाम क्या होना चाहिए। और सारे व्यूअर्स के पास भी कमेंट्स करते जा रहा कि इसका सही नाम क्या होना चाहिए, इस वीडियो का नीचे कमेंट्स करके बताइए। कैकाटू का बहुत दिन से शौक था, तुमसे इसलिए पूछे थे क्या लेना चाहिए। सर जी एक्चुअली पहले हमको बोला था मैडम जी और सर जी ने कि क्या लेना सही रहेगा, मोलक्कन कॉकाटू के बारे में शायद आप लोगों का ख्याल था। लेकिन मोलक्कन कॉकाटू क्या होता है, जब खेलने का टाइम आता है नॉइज चिल्लाता बहुत ज़्यादा है, छोटा फ्लैट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैंने कहा कि सर जी आप ब्लू व्हाइट कॉकाटू के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, इंटरनेट सर्च कीजिए। मेरे हिसाब से घर में रखने के लिए बेहतरीन अगर सबसे शांत स्वभाव का और प्लेफुल अगर कोई बर्ड है, तुम्हार सजेशन ओपर हमरा भरोसा करे एसछि। आर सत्यि कथा बोलते एत दूर थेके एसे ओके देखे समस्त क्लान्ति आमार दूर हये गेछे, सत्यि कथा। माने एत मन भालो हये गेछे आमार घरे अलरेडी ग्रे प्यारट आछे। अच्छा किन्तु ও তো এত ফ্রেন্ডলি নয় না, আফ্রিকান গ্রে ম্যাডাম কি হয় ও একটু বড় হলেই না ওরা একটু অ্যাগ্রেসন চলে আসে, কিন্তু ওর সেন্স ভীষণ ভালো, সেন্স ভীষণ ভালো। মানে আমি পাখি পুষি বহু বছর ধরে, মানে আমার সংসার যতদিন মানে পাখির প্রতি ভালোবাসা আমার হাজবেন্ডের থেকে আমার এসছে, মানে পুরো 100% ক্রেডিট যাতা হয় স্যার কা উপর। একদম 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 সবচেয়ে পহেলা ওকে ভালোবাসে, ও এত ভালোবাসে কি হাঁটেও যাবে ঘুরতে শুধু পাখি দেখার জন্য। আমার বাড়িতে আপকো দেখে না, মতলব হমকো ভি আচ্ছা লাগ রাহা হ্যায় কিউকি মে জব ইয়ে পহলে করতা থা তবি হমকো মতলব ইউটিউব মে আনে সে পহলে হমকো কভি কভি ইয়ে ফিল হোতা থা কি মে হি পাগল হু বার্ডস কো লেকে ইতনা কোই করতা হ্যায়, লেকিন ইউটিউব মে আনে কে বাদ হমকো ধীরে ধীরে পতা চলা কি হাজার নেই লাখো লোক হ্যায় মেরে সে ভি বড়া পাগল। কোনোদিন আমি পাখি পুষিনি, কোনোদিন না, কিন্তু আমার মেয়েরও এটা চলে এসছে ছোটবেলা থেকে দেখে। পরিচয় করানা বাকি রয়ে গিয়া, আর এ যে ব্লু হোয়াইট কাকাটু যা রা হ্যায় স্পেশালি বহন কে লিয়ে। আচ্ছা তুমি পছন্দ তো আয়া না, এ বার্ড দেখ কে জব আয়া তব ইয়া পহলে সে বেটা থা और डायरेक्टली इनका हाथों पे जाके कंधे पर बैठ गया। सही है, परफेक्ट है, जो सोच के आया था पसंद आया। थैंक यू। ना এতো ভালোবাসা না, এতো ভালোবাসা গ্রে প্যারটকে দেখে আমি বুঝেছি যে ওর এতো সেন্স, ও আমাদের সাথে এমন ভাবে ওর মানে ও শুধু কথা বলা না, হয়তো ভালো কথা বলে এরা, কিন্তু ফিলিংস থাকে একটা, ফিলিংস। আপনি আমি আপনাকে বোঝাতে চাইছি কি ধরুন ও আসছে না ডিউটি থেকে যখন ফিরছে, মানে গেটের আওয়াজটা করলেও বুঝতে পারে যে ও এসছে। আচ্ছা তো আপনি না, আমি ওকে বোঝাতে পারবো না আপনাকে না ও কি করতে থাকে, ও একবার দোলনায় দুলবে মানে কাছে যাবে, ও যে এক্সাইটেড মানে আসার পরে না কেউ যে এসছে ও যতক্ষণ দেখেনি মানে মুখে না বলতে পারলে ও তার কাজকর্ম দিয়ে সে বুঝিয়ে দেয়। এত ধারণার বাইরে, মানে পশু পাখির এত সেন্স থাকে পাখি। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ভাবতে পারি না যে ও পাখি ছাড়া ও থাকবে। হ্যাঁ এটা এটা আমার
एक इंसान के अंदर रहता है, लेकिन परिवेश के लिए ऐसे एनवायरनमेंट नहीं बनता है कि हाँ फूल और पशु पाखी जो ভালোবাসে না वो तो इंसान ही नहीं है। लेकिन आप भी ভাবতে পারবেন না वो पूरा मैंने आपको सजेस्ट किया था और देखने के बाद मेरा तुम्हारा सजेशन এটা বলেছি প্রথমে আমি এটা অন বোর্ড আমি কে কাল রাতেই বলেছি যে আমি যদি পাখি তোমার কাছে নাও নি আমার তোমার তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছে আমার পাখির যদি কোনো অসুবিধা হয় 100% আমি ফোন করলে আমি হেল্প পাবোই পাবো একদম 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 এই যে এত ফ্রেন্ডলি না গ্রেপার ভাবির সন্দেহে খুব ভালো পাখি খুব ভালো পাখি শুনেছি যে 5 বছরের বাচ্চার যে ব্রেন থাকে সেই ব্রেন একদম আমি সেটা ফিল করি আমার মনে হয় না আমার একটা সন্তান দুটো আমার মনে হয় না আমার ছেলে এই যে চলে এইটা ও আসে এই যে এ এত ফ্রেন্ডলি এই যে তোমার কথার সাথে একদম মিলে গেছে আর আমি বলছি যে আমি এতটা জার্নি করে এসেছি 4 ঘন্টা আমি বিশ্বাস করো আমি সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে তো প্রথম দিকে থ্যাংক ইউ সো মাচ মানে সাজেস্ট কিয়া থা আর বার বার মন মে একই বাত চল রহা থা কি এ মতলব স্যাটিসফাইড হোঙ্গে কি নেই আপ লোগ আমি কাছে এসে আমি বহু জায়গা থেকে নিয়েছি পাখি আমি হাট থেকেও নিয়েছি আমি মিথ্যে বলবো না আমি প্রচুর জায়গা থেকে নিয়েছি অনেক বাটলাবার আছে অনেক জায়গা থেকে নিয়েছি গ্রে প্যারোটি অন্য জায়গা থেকে নিয়েছি তো আমি এখানে এসে না সত্যি এত আন্তরিকতা মানে আমি সত্যি আমার থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি খুশি হয়ে গেলাম আমি তো দিপিতে সিনহা তোমার সাহেব বললো যে দীপঙ্কর বলছে এই এইটা নিতে আমরা ঠিক আছে চলো আমি একটু দেখে নিচ্ছি নেটে তারপর আমি দেখেছিলাম একটাই সাইড আমি দেখেছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দীপঙ্কর যখন বলছে থ্যাংক ইউ তো 100% স্যাটিসফাইড মানে যে সাজেশন দিয়া তা উসি হিসাব সে ইন সবি কো বহুত জ্যাদা পছন্দ আয়া আর আপ সবি কো জো করনা হ্যায় ইস ভিডিও কা নিচে কমেন্টস করকে ইসকা এক সহি নাম কিয়া হোনা চাহিয়ে ও এক বার সাজেস্ট করকে টেক্সট করনা হ্যায় থ্যাংক ইউ সো মাচ अरे राजू डराओ मत रुद्रा को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है वो देखो रुद्रा का सारे खिलौना अभी इसका है रुद्रा सामने नहीं आ रहा है देख ये भी लेना है सब कुछ दिखाना नहीं है पब्लू नो नो पब्लू नो कैसे नो 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 पब्लू क्या क्या है कितना सारा ये रुद्र हटो रुद्र हाँ मतलब किसी को हाथ लगाने नहीं देगा पाब्लो खुद गिर जाओगे तुम पाब्लो गिर जाओगे ठीक है मतलब सारे खिलौना पाब्लो का है किसी को छूने भी नहीं देगा हाँ पूरा खिलौना सब पाब्लो तो खिलौना
हो गया ठीक है, तुम दोनों गुड नाइट करो, टाटा बाय बाय करो, टाटा बाय बाय। हाँ तुम भी टाटा।